सेवा केंद्र गोरखपुर द्वारा बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में माई भारत विकसित भारत जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में युवाओं ने पक्ष विपक्ष में रहकर स्थानीय मुद्दों पर विचार रखे और विकसित राष्ट्र के निर्माण हेतु अपने बहुमूल्य योगदान के लिए प्रण भी लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ला थे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर और स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिला युवा अधिकारी सीमा पांडेय ने आगत अतिथियों का स्वागत किया और युवाओं को इस प्रकार के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। मुख्य अतिथि श्री शिव प्रताप शुक्ला ने युवाओं में राजनीति में आने की भावना जागृत करने और युवा संसद जैसे कार्यक्रमों में माध्यम से अपने विचार रखने की स्वतंत्रता मिलने पर जोर दिया। उन्होंने जिले के विकास, नारी शक्ति, वोकल फॉर लोकल, मिलेट्स और गरीब कल्याण हेतु सरकार की विभिन्न योजनाओं पर भी चर्चा की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि जिला विकास अधिकारी श्री राजमणि वर्मा, माननीय विधायक सहजनवा श्री प्रदीप शुक्ला, अपरा त्रिपाठी, प्रोफेसर अजय शुक्ल, डॉक्टर अमित उपाध्याय, डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी, डॉक्टर प्रभुनाथ आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान विकसित भारत विषय पर पक्ष और विपक्ष ने बेबाकी से बहस किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर संजय मिश्रा ने किया। छूले जग का हर कण, वैसे ही छूलेंगे सबका मन। आपके चरणों में है नमन, आपके चरणों में है नमन। स्वागतम 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 स्वागतम। गीत नया गाएंगे, प्रकाश हम फैलाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हर बाधा से टकराएंगे। गीत नया गाएंगे, प्रकाश हम फैलाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे हर। इस तरीके से कार्य प्रणाली वहाँ की चलती है, उस युवाओं के उनके द्वारा राजनीति में युवाओं को क्या उद्देश्य होना चाहिए, कैसे उनके स्थानीय मुद्दे हैं उसको संसद के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने का आज यहाँ पे आपको एक मंच दिया जाएगा। इसके अलावा जो आज हमारे चार विषय हैं जिस पे यह मुख्य रूप से यह कार्यक्रम फोकस किया गया है, वो है नारी शक्ति वंदन, विकसित भारत, जो कि हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत @2047 का लक्ष्य दिया है कि 2047 तक हमारे भारत को विकसित भारत किया जाए। और तो और फेमिनिज्म या स्त्री विमर्श मुक्ति से जुड़ी हुई तमाम ऐसी महिला संगठन भी हैं जो औरत के औरतपन को ही सजा सवार कर परोसती रह जाती हैं। नारी मुक्ति के नाम पर घर की जिम्मेदारी का परित्याग कर देना, लिव इन रिलेशनशिप जैसे तमाम नई समस्याओं को समाज में व्याप्त कर रही हैं, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि स्त्री मुक्ति का अभिप्राय यह समझ जाना चाहिए कि महिला को अपने जीवन से जुड़ी हुई आवश्यकताओं पर निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। यह उनकी अपनी खुद की चॉइस होनी चाहिए कि वह हाउसवाइफ बनना चाहती है और उसमें भी उनको सम्मान मिलना चाहिए, या फिर वो एक वर्किंग वुमेन बनकर बाहर निकलना चाहती हैं और उसको भी उतना ही सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। दोनों में ही कोई भेद नहीं होना चाहिए। फेमिनिज्म अपनी पसंद का जीवन जीने की स्वतंत्रता को कहते हैं। आज फिर से वही बात रिपीट कर रही हूं कि फिजिक्स की हूं तो जो उदाहरण आते हैं वो फिजिक्स के ही क्षेत्र से आ जाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी की जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यन, वो हुई या अभी मैंने निगाह शाह जी का नाम लिया, दोनों ही महिलाएं अपने शीर्ष के क्षेत्र पर हैं, वर्क प्लेस और घर दोनों को बैलेंस बनाए हुए हैं। महिलाओं को ईश्वर द्वारा विशेष गुण मिला हुआ है, उनके अंदर मानवता के सारे गुण विद्यमान होते हैं जो सभ्यता, समाज, संस्कृति के विकास में सहायक होते हैं। दया, माया, करुणा, ममता की सच्चे प्रतिमूर्ति होती हैं। ईश्वर द्वारा प्रदत्त इन्हीं गुणों का के कारण वह एक साथ कई भूमिकाएं निभाती हैं और वह विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपस्थिति बनी भी रहती है। स्वामी विवेकानंद
स्वामी विवेकानंद इस जिला स्तरीय पड़ोस युवा संगम कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में डॉक्टर अजय शुक्ल जी, डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी, डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी, डॉक्टर अपरा त्रिपाठी, डॉक्टर प्रभुनाथ, डॉक्टर अमित कुमार उपाध्याय, कार्यक्रम की अधिकारी सीमा पांडे जी, डॉक्टर के सुनीता जी, मंच पर अन्य उपस्थित सम्मान्य जन, इस कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार मित्रों तथा प्यारे स्वयंसेवकगण, हमारे समक्ष जो बैठे हैं वही भारत है। इन्हीं के नाते भारत जाना जाता है। युवा है, मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरा देश आपके हाथों में है। आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब जो दुनिया का को दिखाता है, उस ग्लोब में जब हम देखेंगे तो कहीं न कहीं भारत का वह स्वाभिमान दिखेगा जो विवेकानंद के रूप में शिकागो में दिखा था। विवेकानंद जी शिकागो में जब 2 मिनट उनको मिला था बोलने के लिए, और वो भी किस पर? शून्य पर, जीरो पर। तो लोगों ने ये सोचा था कि 2 मिनट में बोलेंगे क्या, और अगर नहीं बोलेंगे तो भारत की सांस्कृतिक औन्नति हो। लेकिन जब विवेकानंद जी ने संबोधन दिया उस मंच पर, जब लोग लेडीज एंड जेंटलमैन का संबोधन दे रहे थे, तो भारत की संस्कृति के अनुसार उन्होंने कहा, अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, अमेरिका के भाइयों एवं बहनों का जो संबोधन था वो तालियों से पूरा हॉल गड़गड़ाने लगा, और इतनी देर तक तालियां बजती रही कि 2 मिनट बीत गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला और जिला युवा कल्याण अधिकारी सीमा पांडे ने कहा, मुझे लगता है कि विकसित भारत के संकल्प को देश का युवा और युवती यही पूरा कर सकते हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ज्ञान की परिभाषा दिया
उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि गरीब और अन्नदाता, नारी और युवा, ये सब मिलकर के ही इस देश को आगे ले जाएंगे। इसी नाते उन्होंने कहा कि इस देश को जातियों में नहीं बांटा जा सकता है, बल्कि गरीब है, युवा है, अन्नदाता है और नारी है, इनका विकास किया जाए तो निश्चित रूप से भारत विकसित होगा। और आज मैं इसको कह सकता हूँ कि इन्हीं संदर्भों को लेकर के कभी स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में अपना संदेश दिया था, और आज इन युवाओं को, इन युवतियों को विकसित भारत की तरफ ले जाने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है, और वो समझ भी रहे हैं। रास्ता देने की ज़रूरत है, उनका हाथ न फैले, उनकी मुट्ठी पूरी तौर पर भिंची हुई रहे, यही आज के युवा को संकल्प दिया जाए तो यह देश 2047 तक पूरे विश्व में विकसित भारत के रूप में रहेगा, और 2025 तक $5 ट्रिलियन को प्राप्त करते हुए तीसरी अर्थव्यवस्था रहेगा। आज का जो कार्यक्रम है वो पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यतः चार विषय रखे गए थे: नारी शक्ति वंदन, न्यू इंडिया न्यू इनिशिएटिव्स, मिलेट्स और विकसित भारत @2047। इसके बारे में युवाओं के साथ मिलकर चर्चा परिचर्चा करनी थी। इसके साथ ही एक युवा संसद लगाया गया है, जिसमें युवाओं को संसद में हो रहे कार्यप्रणाली के बारे में एक मंच मिल सके और वो अपने स्थानीय मुद्दों को पक्ष और विपक्ष के माध्यम से रखकर संसद के हो रही कार्यवाही के स्वरूप में यहाँ मारवाड़ी युवा समिति के तत्वाधान में मंगलवार को एक निजी भवन में वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 35 कस्बों से क्षेत्रीय संयोजकों ने सम्मेलन में भाग लिया और विवाह योग्य 400 युवक व युवतियों के बायोडेटा को प्रकाशित किया गया, जिसमें 2000 परिवारों ने सहभागिता की। जिसके संबंध में मारवाड़ी सेवा समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष ज्योति प्रकाश गोयल ने बताया कि मारवाड़ी सेवा समिति का यह वैवाहिक परिचय सम्मेलन है। इस संगठन के गठन को 25 वर्ष हो गया है। यह 20वां वैवाहिक परिचय सम्मेलन है, जिसमें युवक व युवतियों के बायोडेटा को संकलित कर प्रकाशित किया जाता है। इसके सम्मेलन में अभिभावकों को बुलाया जाता है, जिससे युवक व युवतियों की पढ़ाई व कार्य देख सकें और चयन करें और साथी के तलाश को पूरा करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मारवाड़ी सेवा समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष ज्योति प्रकाश गोयल ने कहा, मारवाड़ी सेवा समिति का यह वैवाहिक परिचय सम्मेलन है। मारवाड़ी सेवा समिति के गठन के 25 वर्ष हो गए, हम लोगों का रजत जयंती वर्ष चल रहा है और यह 20वां वैवाहिक परिचय सम्मेलन है, जिसमें विवाह योग्य युवक और युवतियों के बायोडाटा संकलित कर प्रकाशित किए जाते हैं। और आज के सम्मेलन में अभिभावकों को बुलाया जाता है कि वो आपस में मेल करा करके गोत्र, उम्र, पढ़ाई, एजुकेशन, ये सब देख करके अपने अनुरूप बच्चों को तय करें, चयन करें और योग्य जीवन साथी की तलाश को पूरी करें। ज्योति प्रकाश गोयल, संस्थापक सदस्य, संरक्षक, भूतपूर्व अध्यक्ष, मारवाड़ी सेवा समिति गोरखपुर, साथ में श्री शिव छापड़िया जी, भूतपूर्व अध्यक्ष, संरक्षक, मारवाड़ी सेवा समिति गोरखपुर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि जब देश के गृह मंत्री CAA का प्रस्ताव संसद में रख रहे थे तो कुछ लोगों ने इसके विरोध की भी बात कही थी। इस देश में 15 अगस्त 1947 के बाद से जो लोग यहां आकर शरणार्थी बनकर बैठे हुए हैं, उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। उनके लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि यह किसी को निकालने का नहीं, जोड़ने का विषय है, क्योंकि CAA जो कल लागू हो गया है उसका स्वागत करना चाहिए। ये नागरिकता देने वाला कानून है, इसका संदेश भारत से जोड़ने का है, बिखरने का नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नागरिकता देने वाले इस कानून का विरोध नहीं होना चाहिए, इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, बल्कि आज़ादी के बाद से भारत में जीवन बिता रहे लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। यह उनके जीवन में खुशियों के पल लाने वाला कानून है, सभी को मिलकर इसका स्वागत करना चाहिए। इस कानून को लेकर किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, मुझे लगता है कि जब देश के गृह मंत्री जी इसका प्रस्ताव संसद में रख रहे थे तो कुछ लोगों ने इसके विरोध की भी बात कही थी। मैं आज ये मानता हूँ कि इस देश में जो नागरिकता देने की बात है, उन लोगों को भी बात है जो 15 अगस्त 1947 के बाद आज आकर के इस देश में शरणार्थी बन करके बैठे हुए हैं,
जिन्होंने अपना सब कुछ गवा दिया है, या किसी को निकालने का नहीं बल्कि जोड़ने का विषय है। इस नाते CAA हर स्थिति में जो कल लागू हो गया है उसका स्वागत करना चाहिए। संदेश भारत से जुड़ने का है, संदेश भारत से बिखरने का। सीओ गोरखनाथ योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए गोरखनाथ के संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया, जिसके संबंध में सीओ गोरखनाथ योगेंद्र सिंह ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गोरखनाथ पुलिस व केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों के साथ एरिया डोमिनेशन की कार्यवाही की गई है, जिससे पुराना गोरखपुर, रसूलपुर, चकसा हुसैन, जाहिदाबाद है। इसके अलावा जो मतदान केंद्र है उसका निरीक्षण कर जायजा ले रहे हैं और लोगों से बातचीत भी की जा रही है, जिससे चुनाव में किसी तरह की अव्यवस्था न हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ गोरखनाथ योगेंद्र सिंह ने कहा, ये चूंकि CPMF हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध है इस समय, और जो सिविल पुलिस है थाना गोरखनाथ की, उसके साथ मिलकर एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हम लोग यहाँ पर पूरा जो पुराना गोरखपुर है, रसूलपुर है, चकसा हुसैन है, जायदाबाद है, इस पूरे एरिया में एरिया डोमिनेशन कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग जो सेंटर है जहाँ पर मतदान होगा उनका भ्रमण करेंगे, लोगों से वार्तालाप करेंगे, और चुनाव में आगाम कभी कोई व्यवस्था ना हो उसको लेकर एरिया डोमिनेशन किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय रेल के कार्यकल्प के लिए अहमदाबाद गुजरात से वर्चुअल माध्यम से 85,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर मोदी सरकार की गारंटी भारतीय रेल का आधुनिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी से MLC धर्मेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में 10 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सहित और रेल सेवाओं का हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने शुभारम्भ किया। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण स्टेशन पर आए हुए लोगों ने देखा। इसी के साथ ही गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर जन औषधि केंद्र सहजनवा से जंगल नकहा कार्गो पॉइंट व गोरखपुर कैंट से कुसमी तीसरी लाइन का शिलान्यास भी हुआ। इस अवसर पर MLC धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक भारतीय रेलवे और देश को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है। आज इसी कड़ी में प्रधानमंत्री द्वारा 85,000 करोड़ रुपए से रेलवे के आधुनिकरण के लिए विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। सबसे बड़ी सौगात गोरखपुर वासियों के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की है। वंदे भारत एक्सप्रेस गोरखपुर से प्रयागराज तक जाएगी। जो भी श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाना चाहें वे अब गोरखपुर से सुबह निकलकर रात्रि में वापस भी आ सकेंगे। सगरी जग से सुंदर बदिसवा, सगरी जग से सुंदर बदिसवा, दुनिया करे ना सुमान हो, मोरे दिसवा पे हमके गुमान हो, मोरे दिसवा पे हमके गुमान, सुंदर बदिसवा, दुनिया करे ना सुमान। वाले निवासियों को भी सस्ते दर पर औषधि उपलब्ध होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल का यह स्टेशन। तालियां बजनी चाहिए, हमारे माननीय मुख्य अतिथि का स्वागत एवं सम्मान हो रहा है। वाले निवासियों को भी सस्ते दर पर औषधि उपलब्ध होगी। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैं आप सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। साथ में इस अवसर पर आप सबको पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल की ओर से, सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ओर से ये भरोसा दिलाता हूं कि मैं भविष्य में देश के विकास में भरपूर योगदान देंगे और राष्ट्रीय सेवा में पूरी प्रतिबद्धता से समर्पित रहेंगे। इस अवसर पर मैं कार्यक्रम में पधारे प्रेस मीडिया से आए हुए सम्मानित गण, प्रतिनिधिगणों, अधिकारियों, कर्मचारियों व उपस्थित समस्त जनों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को जगह जगह लागू किया, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के रूप में आज वो लॉन्च कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश बार बार की इलेक्शन में जाने की बजाय वन नेशन वन इलेक्शन के रूप में भी आगे बढ़ने वाला है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, भारतीय रेल के आधुनिकरण के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 85,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया है। यह आज का दिन भारतीय रेल के लिए एक चमत्कारिक है। आने वाले दिनों में
जिस प्रकार से देश के अंदर एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है, उसी प्रकार से आम जन के लिए भारतीय रेल भी उसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने वाला है। और निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि आने वाले 2047 में भारत विकसित राष्ट्र की कतार में खड़ा होगा, ये आज का कार्यक्रम, आज की परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास, उसमें बड़ा एक कदम है।